हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है, श्री समृद्धि क्लासेज द्वारा चलाई जा रही लाइब्रेरियन साइंस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन हम हमेशा आपके सामने आते हैं और करते हैं। अब तक हमने 1 से 5 पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया है, जैसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपके कुछ कमेंट्स थे जिनमें हमने देखा है, उन पे हम चर्चा करते हैं। और नए स्टूडेंट्स का यह मानना है कि हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसे दें, तो उनको बता दें कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के अस्तित्व नाम से एक ऐप है, उसे आप इंस्टॉल कीजिए। और वहाँ पे प्रत्येक बुधवार और शनिवार को सुबह 10 बजे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू होती है, और वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसे आप दीजिए, उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करवा रहे हैं। आपके कमेंट से कुछ आपके क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है, उन्हें हम दूर करते हैं। पहले अब तक 5 पेपर कर चुके हैं, और श्री समृद्धि क्लासेज का एक ही उद्देश्य है कि लाइब्रेरी साइंस के प्रत्येक स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक लाभ हो और वो एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो आइए देखते हैं। हमारे सामने पेपर नंबर 2 में था, वर्गीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो उसका सही आंसर आपका रहेगा रोम में। एक क्वेश्चन था यूनिट टर्म इंडेक्सिंग। यूनिट टर्म इंडेक्सिंग आपकी मल्टीमर ट्यूब द्वारा एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन कब विघटित किया गया? जुलाई 2014। और मार्क 21 जो 1999 में आया। अब तक के ये आपके कमेंट्स के में पता चला है, आपके क्वेश्चंस थे जो विरोधाभास थे। अगर इन्हीं टेस्ट सीरीज में आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, वहां आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं। आज हम पेपर नंबर 6 पर रेडी, और पेन और कॉपी आप साथ में रखें तो नोट डाउन करते रहें। चलिए आज शुरू करते हैं पेपर नंबर 6। पहला प्रश्न है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम से एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने की क्षमता। ऑप्शन है हमारे सामने बूटिंग, कॉपी, पेस्टिंग, मल्टीटास्किंग। क्या हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाना मल्टीटास्किंग? तो सही आंसर रहेगा आपका मल्टीटास्किंग। एक तरह से हम इन पे नजर डालें ऑप्शंस पे, तो पहला ऑप्शन है हमारा बूटिंग। बूटिंग हम किसे कहेंगे कि पावर मोड जो ऑफ है कंप्यूटर का, तो उसे हम ऑन करते हैं, उसमें चलने वाली प्रक्रिया ही बूटिंग कहलाती है, जो दो प्रकार की है आपके सामने, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। ठीक है, तो कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी बूटिंग। दूसरा ऑप्शन है कॉपी, किसी भी चीज को बार अनेक प्रतियों में बदलना, यानी उनकी कॉपी तैयार करना, कॉपी कहलाता है। पेस्टिंग, किसी भी फाइल को कॉपी करके और उसी को दूसरी जगह पे ले जाना, कट करके दूसरी जगह ले जाना, तो वो पेस्टिंग हो जाती है। जिनकी शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए, Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V पेस्टिंग, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान दे रखा है, डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है। ऑप्शन है डिस्क कैशिंग, डिस्क डिफ्रेगमेंट, डिस्क राइटिंग, और इनमें से कुछ भी नहीं। क्या होगा आंसर आपका? डिस्क डिफ्रेगमेंट। डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या होता है? कंप्यूटर में अनचाहे स्पेस जो है उसको हटाने के लिए हम डिस्क डिफ्रेगमेंट का काम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन है कि डिस्क डिफ्रेगमेंट डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क में सुधार करता है, निष्पादन में सुधार करता है, तो यानी अनचाहे स्पेस को हटाता है डिफ्रेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीयूआई का विस्तृत रूप है, फुल फॉर्म पूछी है। चार ऑप्शन है आपके सामने, ग्राफिकल यूजर इंस्टॉलेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, जर्नल यूटिलिटी इंटरफेस। तो
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है? हमारे सामने डेस्कटॉप पे छोटी छोटी आइकन्स चिन्ह जो होते हैं चित्र के रूप में होते हैं, वही हमें ग्राफिकल जो दिखाई देते हैं चित्र के रूप में, उसे ही हम जीयूआई कहते हैं। एक होता है सीयूआई, ऑपरेटिंग सिस्टम में दो है, जीयूआई और सीयूआई। तो सीयूआई करेक्टर यूजर इंटरफेस और जीयूआई आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दो तरह के ये इंटरफेस है। चौथा क्वेश्चन है आपका बीपीएस का मतलब क्या है, फिर फुल फॉर्म में बीपीएस बिट्स पर सेकंड, क्या होती है बिट्स पर सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपका, हर एक सेकंड के लिए बिट्स, हर एक भाग के लिए बिट्स, हर एक सेकंड के लिए बैंड बिट्स, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, हर एक सेकंड के लिए बिट्स। क्वेश्चन नंबर पांच है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के लिए किसी भी हिस्से तक पहुंचने में प्रयोग होता है। ऑप्शन है कीबोर्ड, चूहा, माउस, जॉयस्टिक। तो हम कीबोर्ड को देखें, इनपुट डिवाइस है, चूहा कुछ भी नहीं कंप्यूटर में, जैसे माउस में हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं चूहा भले ही, माउस जो इनपुट है, इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम किसी भी सहायता से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के लिए किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुंचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माउस का। और डी ऑप्शन में आपका दे रखा है जॉयस्टिक, जो एक गेम डिवाइस है, और इनपुट, इनमें से ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, आपकी तीनों इनपुट डिवाइस है। और सही आंसर आपका माउस रहेगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुंचने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर छह है, विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? तो हमें कालखंड पूरा पता होना चाहिए कि कौन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आए थे और सीरी उनका क्रम क्या था। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी और एमएस डोज। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एमएस विंडो 1.0 पहला संस्करण कब आया, तो वो आप नोट कर लीजिए, 29 नवंबर 1985 में एमएस विंडोज 1.0 आपका जो आया था 29 नवंबर 1985 में। विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, विंडोज 7, उसके बाद में 8 और अभी वर्तमान में नवीनतम चल रहा है आपका विंडोज 10, एमएस विंडो 10 जो मई 2019 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडोज 7 इनमें से किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, विंडोज 7 किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ऑप्शन देखें, NTFS, BSD, EXT, उपरोक्त सभी। आपका रहेगा उपरोक्त सभी, तो इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, EXT, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। सही आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी, तीनों फाइलें विंडोज 7 सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है। ऑप्शन है मेमोरी को, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उपयुक्त सभी। किसको करेगा, सभी को, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहते हैं, पूछा गया है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, रूट डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी अर्थात सब फोल्डर। ऑप्शन है हमारे सामने डायरेक्टरी, फाइल, सब फोल्डर, इनमें से सभी। विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को हम सब फोल्डर कहते हैं। फाइल क्या होती है बताएंगे आप?
फाइल रिकॉर्ड का समूह, जिसे हम फाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंटेनर होता है जिसमें आप फाइल को स्टोर करते हैं, क्या कहलाता है? फोल्डर। वेरी गुड। हमारे सामने ऑप्शन है आइकन, डेस्कटॉप, फोल्डर या फाइल। तो आइकन, आइकन से क्या समझते हैं बताइएगा। विंडो में किसी भी फाइल या फोल्डर, विंडो में किसी भी फाइल या फोल्डर के प्रोग्राम को दर्शाने वाले छोटे छोटे चित्रों को हम आइकन कहते हैं। आपने अभी देखा था GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उन्हें हम आइकन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज में एक पावर सेविंग की व्यवस्था है। विंडोज में आपके एक पावर सेविंग की व्यवस्था है। ऑप्शन है लॉग ऑफ, स्लीप, रिस्टार्ट या लॉक। हम प्रत्येक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे सामने लॉग ऑफ। लॉग ऑफ क्या होता है? इसका प्रयोग एक यूजर अकाउंट से दूसरे यूजर अकाउंट में किया जाता है, परंतु पहले वाले यूजर के रनिंग प्रोग्राम बंद हो जाते हैं लॉग ऑफ में। लॉग ऑफ का प्रयोग क्यों करते हैं कि एक यूजर अकाउंट हमारा चल रहा है और उसके बाद में दूसरे यूजर अकाउंट में हम जा रहे हैं, तो पहले वाला जो यूजर है, रनिंग प्रोग्राम है, वो बंद हो जाएगा। स्लीप, विंडो में एक पावर सेविंग की व्यवस्था है। आपका सही आंसर रहेगा स्लीप। स्लीप क्या होता है? यह विंडो में एक बार एक पावर सेविंग मोड होता है जिसके अंतर्गत रनिंग प्रोग्राम बंद हो जाते हैं परंतु प्रोसेसर ऑन रहता है। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने रीस्टार्ट। रीस्टार्ट या कंप्यूटर को लगातार पावर सप्लाई के साथ बंद करके पुनः चालू करने की प्रक्रिया को हम रीस्टार्ट कहते हैं, जो आप जानते हैं। और चौथा ऑप्शन है लॉक, जो कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और प्रोग्राम निर्देशित किए जाते हैं। स्क्रीन पर एक आयताकार भाग होता है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन देखिएगा, आइकन, डेस्कटॉप, विंडो या पैनल। सही आंसर रहेगा आपका डेस्कटॉप, जो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में सबसे पहले ऑन करने के बाद में जो हमें स्लाइड दिखाई देती है, वही डेस्कटॉप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका प्रयोग टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारे सामने कैलकुलेटर, नोटपैड, एड्रेस बुक और पैड। पहला ऑप्शन देखें कैलकुलेटर, जो एक गणना युक्ति है, एडिटिंग नहीं है। क्वेश्चन है हमारे सामने बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम, तो यहाँ पे एक ही आपको दे रखी है, नोटपैड। एड्रेस बुक होती है जो फाइलों का रहती है, और नोटपैड इसका सही आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एरे क्या है? विंडोज एरे क्या है? यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन देखते हैं, विंडोज XP के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, विंडोज 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो यहाँ पे ए और बी कथन को देखें तो हम विचार करना चाहिए कि क्या ये दोनों कथन हमारे सही है। विंडो XP भी GUI पर आधारित था, विंडोज 7 GUI पर आधारित था, दोनों कथन सत्य है या असत्य है ये भी पूछा जा सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों ही GUI आधारित है, और CUI आधारित केवल दो ही है आपका, MS-DOS और यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन देखने हैं हमें। ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता क्या है? फाइल मैनेजमेंट का, यानी प्रबंधन का। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या है,
कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना, पहला ऑप्शन है। कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस द्वारा सेवा के लिए अनुरोध करना। ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सभी कार्य है, उपयुक्त सभी रहेगा। एक बार वापस देख लीजिए, कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना, कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस द्वारा सेवा के लिए अनुरोध करना, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य रहेंगे। ये भी पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, कौन सा कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंटरफेस किस पर आधारित होता है? अभी हमने चर्चा की थी जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंटरफेस जीयूआई पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का खाली स्थान दे रखा है आपका, तैयार करते हैं क्या? हमें डेस्कटॉप पर किसी फाइल को तुरंत खोलना है तो हमें क्या दिखाई देगा वहां पे? एक जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या एक शॉर्टकट आइकन जिसे हम कहते हैं, या फिर वहां पे हमें एक दिखाई देगा फोल्डर। तो ऑप्शन देखते हैं कि पहला ऑप्शन है फोल्डर, दूसरा शॉर्टकट आइकन, सी ऑप्शन है ए बी, और डी उपरोक्त सभी। तो आपका इसमें ऑप्शन रहेगा दोनों ही है, फोल्डर और शॉर्टकट आइकन, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम कर लेते हैं। तो आप देखते हैं ऑप्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेशल सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है स्पेशल सॉफ्टवेयर। हमारे यहाँ पे आंसर रहेगा, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ए और सी दोनों जगह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहा है, दोनों ही आपके सही रहेंगे। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी, यूटिलिटी प्रोग्राम डिस्क फ्रेगमेंटर, डेटा क्लीनर आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विंडोज 7 का सिस्टम आइकन नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं रिसाइकल बिन, कंप्यूटर, एमएस वर्ड या नेटवर्क। देखते हैं कि निम्न में से विंडोज 7 का सिस्टम आइकन नहीं है, क्या नहीं है? एमएस वर्ड, रिसाइकल बिन होता है, कंप्यूटर, विंडो 8 और 10 में क्या आ रहा है? दिस पीसी, और उससे पहले क्या आता था आपका? माय कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहा जाता है। ऑप्शन है बूटिंग, लोड, डोज प्रॉन्ट, सिंबल। तो हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना यानी पावर मोड से ऑन करने को बूटिंग की प्रक्रिया, तो ये भी आपका बूटिंग प्रक्रिया ही रहेगी कि सिस्टम को कंप्यूटर मेमोरी में लोड करना, क्या कहलाएगा? बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो की व्यवस्था एवं सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने वाला विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है शटडाउन, रीस्टार्ट, स्टैंड बाई, रीस्टार्ट इन एमएस डोज मोड। क्वेश्चन पूछा है विंडोज की व्यवस्था एवं सूचनाओं को रिस्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने वाला विकल्प रीस्टार्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 में F5 क्या है? फंक्शनल की पूछी है आपको, ऑप्शन दे रखे हैं शटडाउन,
रिफ्रेश, स्टैंड बाई या इनमें से कोई नहीं। F5 आपका रिफ्रेश में काम आता है, कुछ फंक्शन की F1, F2, F3, F4 हमें पता होनी चाहिए। F1 आपकी हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 सर्च के लिए, F4 रीडो के लिए, F5 आपकी रिफ्रेश, F7 ग्रामर त्रुटि के लिए। इसी तरह हमें F12 तक पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट करके म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं, तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं, आप उस फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर में पा सकते हैं, आप उस फाइल को म्यूजिक एंड डॉक्यूमेंट फोल्डर दोनों जगह पा सकते हैं, आप उस फाइल को म्यूजिक व डॉक्यूमेंट फोल्डर दोनों में नहीं पा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर में कट करके म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं, तो वो फाइल आपकी जहां से आपने कट किए वहां से कट होकर के म्यूजिक फोल्डर में चली जाए, और इसी जगह हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में ही पा सकते हैं। और इसी जगह अगर यह प्रश्न रहता कि यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर में से कॉपी करके म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं, तो वह फाइल कहाँ प्राप्त होगी, क्योंकि वह फाइल कॉपी की है आपने और म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट किए, तो वह फाइल दोनों जगह प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा कि आप उस फाइल को म्यूजिक और डॉक्यूमेंट फोल्डर दोनों जगह पा सकते हैं, तो क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पेंट एप्लीकेशन में वक्रीय रेखा को ड्रॉ करने के लिए किस आइकन पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन है कर्व, लाइन, पॉलीगन, रेक्टेंगल। एमएस पेंट एप्लीकेशन में हम वक्रीय रेखा में ड्रॉ करने के लिए कर्व ऑप्शन को यूज करते हैं, जिससे पेंटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर, स्क्रीन का जो सबसे नीचे का पार्ट है, आप जो एक लंबा सा दंडाकृति देखते हैं वह क्या कहलाता है। नीचे एक पट्टी रहती है जिसको आप क्या कहते हैं, जिसपे टाइम, डेट आदि के सिंबल्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टास्क बार। और जो ऊपर हेडिंग रहता है, टाइटल बार। आपका देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही आपका टास्क बार, टाइटल बार, मेन्यू बार या स्पेस बार। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या रहेगा, टास्क बार। टास्क बार पे ही सिस्टम ट्रे रहती है। और ऑप्शन देखें हम डी, स्पेस बार। स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी, अधिकतर क्वेश्चन अधिक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी होती है, इसी तरह से ऑप्शन दे देते हैं। इस बार स्पेस बार, अल्ट, कंट्रोल, स्पेस बार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर नेटवर्क की कौन सी टोपोलॉजी त्वरित सर्वर अभिगम प्रदान करती है। ऑप्शन देखें, बस नेटवर्क टोपोलॉजी, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, मल्टीपल रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। त्वरित आपकी स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी है, तो हम कूट दे रखे हैं, ये इसमें एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, दो और चार। सही आंसर रहेगा आपका दो और चार, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी और स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल के सामान्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं। प्रोटोकॉल आपको दे रखा है, उसके सामान्य प्रकार निम्न में से कौन से हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है HTTP, FTP, टेलनेट और डी आपका गॉलर।
तो इनकी हम फुल फॉर्म देखें, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट टेलीटाइप नेटवर्क। तो ये तीनों आपके रहेंगे, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका 1, 2 और 3 सही रहेगा। टेलीटाइप नेटवर्क क्या है, ये टेलनेट क्या है? यह एक प्रोटोकॉल नेटवर्क है, इंटरनेट या स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क पर इस्तेमाल किए जाने वाला नेटवर्क, प्रोटोकॉल नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI का नया नाम क्या है? पहले तो ISI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फिर उसका क्या नाम नया है, वर्तमान में क्या नाम है ISI? वेरी गुड, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट पहले नाम था, और अब आपका है ऑप्शन देखें BSI, BIS, IIS, SIS। सही आंसर रहेगा BSI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पहले क्या था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइटेशन एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, सामाजिक प्रकाशनों के प्रयोग हेतु, सामयिक प्रकाशनों के प्रयोग हेतु, इम्पैक्ट फैक्टर या प्रयोग सभी। साइटेशन एनालिसिस क्या होता है? वेरी गुड, आपका साइटेशन एनालिसिस लिख लीजिए, किसी भी लेखक लेख या प्रकाशन, किसी भी लेखक लेख या प्रकाशक के सापेक्ष महत्व या प्रभाव को मापने का एक तरीका है। क्या है? साइटेशन एनालिसिस, किसी लेखक लेख या प्रकाशन के सापेक्ष महत्व के प्रभाव को नापने का एक तरीका है, जो लेखक लेख या प्रकाशन की संख्याओं को गिनकर अन्य कार्यों द्वारा उद्धृत किया जाता है। अर्थात आपका सही आंसर रहेगा आपका इंपैक्ट फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR2 के दो भाग होते हैं, ACR2 के दो कौन से भाग होते हैं? विवरण और शीर्षक। ऑप्शन भी देखें यहाँ पे, ए ऑप्शन विवरण और शीर्षक का चयन, नियम और वर्गीकरण, विवरण नियम और प्रैक्टिकल वर्गीकरण या अनुवर्णित। ACR2 के दो भाग आपके विवरण और शीर्षक का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है ये आपको देखना है, दोनों ही मैं कौन सा कथन सत्य है ये सही आंसर आपको टिक करना है। पहला कथन दे रखा है, ऑनलाइन स्क्रीन के लिए कॉलन पद्धति लोकप्रिय है। कॉलन पद्धति आपकी ऑफलाइन के लिए है, पहला ऑप्शन ही गलत है, असत्य। दूसरा ऑप्शन कथन दे रखा है, परंपरागत वर्गीकरण पद्धति ऑनलाइन स्क्रीन के लिए लाभदायक नहीं है, यह कथन सत्य है। देखते हैं ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों गलत, 1 गलत दूसरा सही, 1 सही या 2 गलत। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कथन नंबर 1 गलत है और कथन नंबर 2 आपका सही है। 32 क्वेश्चन है आपका, अनौपचारिक स्वशिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय में संभव है? ऑप्शन दे रखे हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय। अनौपचारिक शिक्षा आपकी रहेगी सार्वजनिक पुस्तकालय में, औपचारिक शिक्षा एकेडमिक स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शीर्षक जो आंशिक रूप से मांगी गई विषय के लिए प्रासंगिक है, एक शीर्षक दे रखा है जिसका उपयोग बहुत ही कम है,
पर जो मांगी गई है उसमें उस विषय के लिए क्या प्रासंगिक है, ऑप्शन देखें, पेनुम्ब्रल विषय, मूल विषय, विदेशी विषय, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, एक शीर्षक जो आंशिक रूप से मांगी गई विषय के लिए प्रासंगिक है तो वह मूल विषय को दर्शा देगा। हमें पता चल जाएगा कि यह पुस्तक है, मूल विषय आपका इसमें सही आंसर रहेगा। और इसी को अगर हमें तीन ऑप्शन ये दे रखे होते, पेनुम्ब्रल, अनुम्ब्रल और अम्ब्रल यानी अपूपा से अगर हम देखते तो अनुम्ब्रल रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, शब्दकोश, निर्देशिका, विश्वकोश या एटलस। वर्ड ऑफ लर्निंग आपका गाइड है, गाइड करती है विश्व के बारे में जानना, निर्देशिका रहेगी। अब हमारे सामने ऑप्शन है शब्दकोश, निर्देशिका, विश्वकोश। तो हमें यह भी पूछा जा सकता है कि शब्दकोश प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है, तृतीयक स्रोत है, या निर्देशिका प्राथमिक स्रोत में है, द्वितीयक स्रोत है या तृतीय स्रोत है, विश्वकोश प्राथमिक स्रोत है, द्वितीय स्रोत या तृतीयक स्रोत है। तो बताइए शब्दकोश कौन सा स्रोत है? शब्दकोश आपका द्वितीयक स्रोत है और निर्देशिका, वेरी गुड, तृतीयक स्रोत, और विश्वकोश द्वितीयक स्रोत, कौन सा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तकालयों में ज्ञान का संगठन तथा पुस्तकों हेतु विषय अभिगम के रचयिता है। ऑप्शन दे रखे हैं, पीएन कोला, बी एस केशवन, हेनरी इब्लीस, डब्ल्यू सी बी सेपॉर्न। सही आंसर रहेगा आपका हेनरी इब्लीस। पी एन कोला, इनकी एक पुस्तक है जो एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है, आप नोट डाउन कर लीजिए, अ लाइब्रेरियन लुक बैक, अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ड कैट निम्न में से किसका उत्पादन है, उत्पाद है वर्ड कैट? वर्ड कैट आपका ओसीएलसी द्वारा उत्पादित है। ऑप्शन देखो, ओसीएलसी, इफला, क्लिप, यूनेस्को। सही आंसर रहेगा आपका ओसीएलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीडीसी के 21वें एडिशन में टेबल की संख्या कितनी थी? डीडीसी के 21वें एडिशन में टेबल की संख्या कितनी थी, कितनी थी? ऑप्शन है हमारे सामने, पांच, छह, सात या आठ। सात टेबल थी, डीडीसी के 21वें संस्करण में सात टेबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो बेस्ट बजटिंग पद्धति का विकास किसने किया? ऑप्शन है, यूएस नेवी, अवार्ड इवेंस, एलेन केनी, पीटर फायर। पीटर फायर, जीरो बेस्ट बजटिंग पीटर फायर 1970 में, यूएस नेवी की पद्धति आप बता सकते हैं, TQM, नोट डाउन कर लीजिए, यूएस नेवी TQM, जीरो बेस्ट बजटिंग पीटर फायर 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हेनरी इब्लिस, हेनरी इब्लिस का अभी अपन ने ऊपर देखा था कि पुस्तकालय में ज्ञान का संगठन तथा पुस्तकों हेतु विषय अभिगम हेनरी इब्लिस का, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, हेनरी इब्लिस द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति, वेरी गुड, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन कब आया था? 1935 में। ऑप्शन पे देखें हम,
सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कब आया? 1906 में, किनके द्वारा? जेडी ब्राउन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन है आपका डेसिमल क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 हेनरी ब्लिस महोदय के द्वारा, डेसिमल क्लासिफिकेशन मेलविल डिविजन 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 नंबर, इनमें से कौन सा रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित विधि है? चार आपके सामने विधियां दे रखी है, ऑप्शन दे रखे हैं SLSS, चैन इंडेक्सिंग, पोपसी, LCSH। रंगनाथन महोदय द्वारा 1938 में चैन इंडेक्सिंग दी गई, सही आंसर रहेगा चैन इंडेक्सिंग। अब हम नजर डालें ऑप्शन नंबर एक पे, SLSS। यह विधि छोटे पुस्तकालयों एवं मध्यम वर्गीय पुस्तकालयों के लिए है। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एडिंग, चैन इंडेक्सिंग 1938, पॉपसी 1979 गणेश भट्टाचार्य द्वारा। पॉपसी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, नोट डाउन कर लीजिए। पोस्टोलाइट बेस्ट परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, पोस्टोलाइट बेस्ट परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, पॉपसी गणेश भट्टाचार्य जी द्वारा 1979, LCSH जो आपके बड़े पुस्तकालयों के लिए, और एक ALA भी आपके बड़े पुस्तकालयों के लिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालिटिकल एंट्री किसका भाग है, ACR2 या CC? दो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, एनालिटिकल एंट्री किसका पार्ट है? देखिए एनालिटिकल एंट्री आपका ACR2 का भाग है। नेक्स्ट आपके दे रखा है डेसीडॉक की पत्रिका दे रखी है जिसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजलेट। ऑप्शन दे रखा है बी मंथली जर्नल, बी एनुअली जर्नल, क्वार्टरली या वीकली। सही आंसर रहेगा आपका बी मंथली जर्नल है। क्वार्टरली के आपको याद है कोई पब्लिकेशन? एक क्वेश्चन तो आएगा फ्रीक्वेंसी का, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में लाइब्रेरी साइंस में देखने को मिलता है। क्वार्टरली पे हमने पहले पढ़े थे तीन, ILA के, ILA न्यूज़लेटर, जिला एब्जिला, क्वार्टरली थे, त्रैमासिक थे। कॉपीराइट बुलेटिन जो यूनेस्को का है आपका, वो भी आपका क्वार्टरली है। डी ऑप्शन दे रखा है वीकली, वीकली में हमने देखा था BNB और एशियन रिकॉर्डर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्गीकरण करते समय प्रत्येक पद को उसके लिए निर्धारित क्रम PMEST के अनुसार व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण के सोपान आपने 9 पढ़े थे, 0 से 8, उनमें से पूछा है कि वर्गीकरण करते समय प्रत्येक पद को उसके लिए निर्धारित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्म टाइटल, रूपांतरित शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, वर्तमान में इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन कर रहा है? क्वेश्चन पहले भी आ चुका पेपर में, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्था की स्थापना कब की गई? लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्था की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है आपके सामने 1882, 1876, 1879, 1887। लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्था की स्थापना 1800 आपका 82 सही रहेगा, 1876 बी ऑप्शन है आपका। इसमें घटना या कुछ याद आ रही है आपको?
बताइए, 1876 की घटना है, डीडीसी, वेरी गुड। एक और डिक्शनरी कैटलॉग, वेरी गुड। कुल चार घटनाएं थी आपकी, नोट डाउन कर लीजिए, डीडीसी 1876, डिक्शनरी कैटलॉग 1876, एएलए 1876, लाइब्रेरी जर्नल। ये चारों घटनाएं आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइब्लियोफाइल से तात्पर्य है, ऑप्शन दे रखा है, ई बुक, अ बुक लोअर, बिब्लियोग्राफी या अ बुक बाइंडर। बाइब्लियोफाइल से तात्पर्य होता है पुस्तक प्रेमी, अ बुक लोअर डे, अ बुक लोअर डे। लाइब्रेरी साइंस में बुक लोअर डे भी आता है, कब मनाया जाता है बुक लोअर डे? वेरी गुड, 9 अगस्त को, लिख लीजिएगा बुक लोअर डे 9 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, ऊर्जा पक्ष का दूसरा आवर्तन राउंड क्या कहलाता है? कहलाता है दूसरा राउंड, ऑप्शन है ई, बी ऑप्शन है 2E, सी ऑप्शन है E2, या इनमें से कोई नहीं। लेवल, स्तर और राउंड, दोनों का हमें पता रखना है। इसका सही आंसर रहेगा 2E। आवर्तन के आगे हमेशा 1, 2, 3 जितने भी आपके रहते हैं आवर्तन, तो वो लगेगी, और स्तर में उसके पीछे। यही अगर इस जगह पे दूसरा स्तर पूछा होता A2 सही होता, और इसका सही आंसर रहेगा आपका 2E, दूसरा आवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा दिव्यांगों, विकलांगों के लिए सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करता है? रंगनाथन के 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पूछा है कि दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए, या पूछा जाता है नेत्रहीनों के लिए, डिसेबिलिटी, उनके लिए यह दूसरा नियम है। दूसरा नियम सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व ज्ञान को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए हेतु प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का, वर्गीकरण का, सूचीकरण का, या पुस्तकालय विज्ञान के आदर्शक सिद्धांतों का। सहायक अनुक्रम, वर्गीकरण का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। पहला कौन सा था? मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कब आया? 1948। कितना टैक्स था बताइए? भूमिकर के साथ में 10%। ऑप्शन नंबर ए देखें, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 में 8% टैक्स, और भवन कर के साथ था आपका। और सी ऑप्शन है, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, व्हीकल कर इसमें जोड़ दिया गया था, जो 6% पूछा जाता है आपका, कि 10% टैक्स पे, 8% टैक्स पे, 6% टैक्स पे कौन से अधिनियम थे, पुस्तकालय सार्वजनिक अधिनियम। नेक्स्ट है आपका डी ऑप्शन में, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967, इसमें किसी प्रकार का कोई अन्य टैक्स नहीं था, नो टैक्स।
तो ये था हमारे सामने पेपर नंबर 6 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट 7 नंबर का सॉल्यूशन डॉक्टर विनीता चौहान मैम द्वारा करवा दिया गया है। सभी यूट्यूबर्स से निवेदन रहेगा वो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको 7 नंबर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको यह श्री समृद्धि क्लासेज का नवाचार पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट 8 नंबर पेपर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।